हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 सब्जेक्ट अंग्रेजी द नेशन बिल्डर्स लेसन 4 पोएम है, इसको हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो लेसन का नाम है द नेशन बिल्डर्स। इसके जो पोएट हैं R.W. Emerson हैं। तो पोएट जो है एक अच्छे नागरिक के बारे में लिखे बताए हैं कि एक अच्छा नागरिक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, आते हैं पोएम पे। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। दो लाइन का अर्थ है कि कोई रुपया पैसा धन किसी भी देश को महान नहीं बनाता है। रुपया पैसा धन किसी भी देश को महान नहीं बनाता है, केवल एक नागरिक ही देश को महान बना सकता है। ये दो लाइन का अर्थ हो गया। अब तीसरी लाइन देखते हैं। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड हॉनर सेक। एक नागरिक वह होता है जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, लंबे समय तक खड़ा रहता है। एक अच्छा नागरिक वह होता है जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, लंबे समय तक खड़ा रहता है। अब ये दो लाइन का अर्थ हो गया। अब आगे देखते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप। बहादुर व्यक्ति तब तक काम करते रहते हैं जबकि अन्य लोग सोते हैं। कह रहा है कि बहादुर व्यक्ति तब तक काम करते हैं जबकि अन्य लोग सोते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। और जो कायर व्यक्ति होते हैं वो भाग जाते हैं। यहाँ फ्लाई के अर्थ से भागना होगा, ना कि उड़ना होगा। हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई, और जबकि जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। आगे देखिए। द बिल्ड ए नेशन पिलर्स डीप। इसका अर्थ ये होगा कि बहादुर व्यक्ति अपने राष्ट्र की नींव को बहुत गहराइयों तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे लक्ष्य पर ले जा कर के छोड़ देते हैं। यहाँ स्काई से अर्थ आकाश ना हो करके लक्ष्य होगा, बुलंदी होगा। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे लक्ष्य पर ले जा कर के छोड़ देते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा।